चैनल पे। गरीबों से बात करके फिर जो महंगाई आप जैसे लोगों के लिए है। अच्छा, आपके लिए महंगाई नहीं है, देख लीजिए, देख लीजिए। जनता के लिए नहीं ना, जनता कहाँ सड़कों पर। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई भैया, है भैया स्मृति ईरानी आइए ना। जंतर मंतर पे लेके बैठ जाती थी, ले सिलेंडर दे, धनाधन ले, धनाधन ले, धनाधन बैठ जाती थी। अब कहाँ चली गई, तो 1100 पार हो गया। पेट्रोलियम सेंचुरी में 1100 पार कहाँ सोया है चौकीदार। किसकी आय दुगनी हुई, आप लोगों की हुई होगी। अरे भैया रिपोर्ट भैया किसकी आती है, इन्हीं के लोग भेजते हैं रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी वाले भेजते हैं रिपोर्ट, उसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं। आजकल ये मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, जितने भी सरकारी सेक्टर है, जितने भी इनके डिपार्टमेंट है, सबका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब तक ये का करते रहेंगे, देश खतरे में रहेगा, संविधान खतरे में रहेगा, लोकतंत्र। लाला हरामदेव की बात ही मत करो, बॉर्डर पे छोड़ के आऊंगा। लगातार जनता से पूछ रहे मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। कहना क्या चाह रहे हैं आप, कह दिया आपने, समझा नहीं। समझदार के लिए सारा दूसरे जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े की 2024 में भाजपा ही तय है, उनका क्या नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। हाँ। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार, कहाँ किए अत्याचार, कहाँ गरीबों की बात कर रहे हैं। ए भैया 5 किलो अनाज लेते हैं ना, ए हम नहीं लेते, हमें तो मिलता ही नहीं भैया, राशन कार्डवा ही नहीं बनने दे रहा। अच्छा, राशन कार्डवा ही नहीं दे रहा है, 5 किलो राशन जबरदस्ती। एक चीज बताइए, 5 किलो राशन की बात करते हैं और बात करते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है, देश की 80 करोड़ जनसंख्या राशन की कतार में लगी है, विश्वगुरु कहाँ बन रहा है। मोदी जी ने कहा मैं अकेला सब पे भारी। हाँ ये बात तो सही है, मोदी जी पनौती प्रधानमंत्री हैं, महंगाई पे भारी हैं, बेरोजगारी पे भारी हैं, महिला सशक्तिकरण पे भारी हैं, किसान पे भारी हैं, जवान पे भारी हैं, और मैडम आप जैसे पत्रकारों पे भी। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का कवच है, कवच है ये आपकी भाषा नहीं है। मोदी मोदी जी ने खुद कहा, सुनिए सुनिए, मोदी जी कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब का पानी, क्योंकि आपके कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं, बदलिए। कहा तो है कमल का फूल तो कीचड़ में ही खिलता है। अरे मैडम कीचड़, ये कीचड़ नहीं है, लीचड़ है, लीचड़ में लोग फंस गए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो कह रहे हैं कि कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि आपके कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग मत कीजिए, जो भी सरकार से सवाल पूछने का हमें अधिकार संविधान ने दिया है, उस संविधान को भी दबाने की आप लोग कोशिश करते हैं। 2014 से पहले मोदी जी सवाल पूछते थे। भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है, महंगाई की मां नहीं ले रही है। मोदी जी आपने महंगाई का मां कितनी बार दिया, बोलिए नहीं बोलिए, महंगाई नहीं है ना, महंगाई नहीं है, खाइए भारत माता की कसम, खाइए संविधान की कसम, अपने घर वालों की कसम खा के बताइए कि महंगाई है या नहीं है। 60 रुपए में पेट्रोल था। अरे वित्त मंत्री ने कहा, एक चीज बताए वित्त मंत्री जी, नमस्कार, आप प्याज नहीं खाती हो, दूध तो पीती हो ना, आटा खाती हो नहीं खाती हो, आलू खाते हो ना, सस्ता कीजिए ना। हाँ। अरे तेल की तो सब्जी खाते हो, मानते हैं आप, लहसुन प्याज नहीं खाते हो। 10 रुपए किलो आलू, ए भैया 15-20 रुपए, चाचा आपसे पूछना चाहते हैं आलू कितने में है। 10 रुपए किलो भैया आप लोगों के खाते में पैसा आता है, इसलिए आपको भैया लगता है 1400 रुपए वाला सिलेंडर आप लोगों को 400 रुपए में लगेगा, लगेगा आप लोगों को। आप लोग जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़गाता है। लेकिन डेमोक्रेसी तो है ना देश में, कहाँ है, कहाँ है, नेहा सिंह राठौर की आवाज दबाई गई नहीं, संसद से राहुल गांधी की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई, मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 मिनट बोलने का अधिकार और इनको पीयूष गोयल को 10-10 मिनट बोलने का अधिकार, बताइए वो तो आप कैसे बोल रहे हैं, आप भी तो बोल रहे हैं ना खड़े हो भैया, आज तक वाले डीडी नेशनल के एक भैया, ए हिम्मत तो बुलाइए ना तिहाड़ी, ए रविश कुमार जी, रविश कुमार जी पत्रकारों की ऐसी भाषा, तिहाड़ी को तिहाड़ी नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोल देंगे। हाँ। भारत रत्न से सम्मानित करवा दीजिए। अरे आप योग्यता नहीं कहा तो है उन्होंने। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए मैडम। हाँ। कि टीवी पैनल पे खड़ा होके दलाली करना कौन सी स्किल है, बताइए दलाली करना कौन सी स्किल है। अरे भैया कांग्रेस से घूस मांगा, हमको घूस दीजिए, हम आपके मनपसंद की न्यूज चलाएंगे। अच्छा तिहाड़ में भेज दिया कांग्रेस, ईमानदार सरकार, और भारतीय जनता पार्टी से कहा घुस दीजिए आपके मनपसंद, जो सच है वो दिखाएंगे ना। अच्छा सच है, बताइए बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। हाँ। ये सच था और कितनी बार दिखाया बताइए। हाँ। तिहाड़ी बाबू कितनी बार आपने दिखाया। हाँ। अंजनाओं का सब जी मैडम मीडिया दलाल, जितने भी सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, हम तो कहना है चाचा अगर आप टीवी देख रहे हैं ना। हाँ। तो आज से देखना बंद कीजिए, क्योंकि टीवी वाले सच्चाई दिखाते ही नहीं है, ये आपको देश विरोधी बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके आपके मन में मुसलमानों के प्रति जहर घोलने का काम करते हैं। प्रियंका कहाँ से है, तो सेम
कहाँ से है? सेब 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 सेब। सेब है? अरे नहीं।